को परमिशन दिया रिकॉर्डिंग का। तो लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे अपन, उसमें एक और स्ट्रक्चर अपन पढ़ सकते हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ I2Cl6, ये भी कई बार अपन से पूछ लेता है। तो आप I2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देख लीजिए। आप I2Cl6 में क्या होता है, इट इज लाइक दस है, और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना अपन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, और एक सीएल इधर ना, इसके क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ठीक है ना। I2Cl बनाएंगे अपन, तो I2 ऐसे बनाएंगे अपन और Cl ऐसे बनाएंगे, I2Cl। सो I और अपन I को ऐसे बनाते हैं I2Cl में, तो नंबर ऑफ I2Cl6, तो एक सीएल इधर, एक सीएल इधर, और एक सीएल अपन ऐसे बना सकते हैं, दैट इज राइट ना, I2Cl6, और इसमें टू नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो I2Cl6 का स्ट्रक्चर अपन से पूछ लेते हैं कभी कभी, तो अपन उसको बना सकते हैं। ऊपर का वो अपना एक सीएल इधर होता है, I2Cl6 लिखा है मैंने, I2Cl6, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे नहीं दिखेगा तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा फिर, तो मैं उसको व्यू चेंज कर लेता हूँ तो मुझे दिखेगा स्क्रीन पे, स्पीकर व्यू किया मैंने, ठीक है। तो अपन इसको I2Cl6 को थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ये लो मैंने लिख दिया, राइट। तो I2Cl6 टू नेगेटिव था अपने पास, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, इसको अपन एक Cl इधर लिखेंगे और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो अपन ऐसे बना सकते हैं, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एक Cl इधर और एक ये, एक Cl इधर और एक ये, और दो लोन पेयर हो गए, ये दो लोन पेयर हो जाएंगे, इसमें भी दो लोन पेयर हो जाएंगे, इसमें भी दो लोन पेयर हो जाएंगे। तो अगर अपन चेक करेंगे ना, तो मैंने पता कैसे लिखा है इसको, इसको अपन लिख सकते हैं कि अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या हो गया, अगर हम इस वाले पार्ट को भूल जाएं, तो आपने यहां पर स्क्वायर प्लेनर, वो दो लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, स्क्वायर प्लेनर। तो ज्योमेट्री अपन इसके क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्री आप लिख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर बाइपरबिटल, है ना, बाइपरबिटल, ये आप ज्योमेट्री बता सकते हो। यहां पर ऐसे ये ले लो आप, तो देखो आप, ये स्क्वायर प्लेनर बाइपरबिटल बनाया अपन ने, ये एक स्क्वायर प्लेनर बन गया जो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऊपर एक लोन पेयर और नीचे लोन पेयर। तो अपन कहेंगे बाइपरबिटल के लिए भाई लोन पेयर तो हमें दिखेगा नहीं, तो अगर अपन शेप की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेप विल बी लाइक, तो शेप में आप सिर्फ स्क्वायर प्लेनर देखोगे, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो शेप तो अपन तब बताते हैं ना जब लोन पेयर नहीं लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ भी ये भी ऐसे ही बनाया अपन ने, दोनों तरफ ऐसे बनता है, इधर भी स्क्वायर प्लेनर बाइप्रोपेटल, उधर भी स्क्वायर प्लेनर बाइप्रोपेटल। तो अगर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है तो अपन क्या करते हैं, किसी एक सेंट्रल एटम के अराउंड आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, सभी सिग्मा बॉन्ड का, सभी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन वही होता है। तो लाइक देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो लोन पेयर जो होंगे दे विल बी ऑन द इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, और जो बॉन्ड्स होंगे ये वेजिटस बनाए ना, वेज का मतलब होता है हमारी तरफ और डैश का मतलब होता है अंदर की तरफ, वो मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से बता सकते हैं अपन कि भाई ये I2Cl6 का स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शुरुआत करेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे आप, तो चलो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बता रहा है मुझे। सो बोल रहे अगर एक मिनट रुक मत करना, भाई, बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसको वेट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, राइट ना, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में सबको लगता है ना कि सर बीच बीच में कोई बोलता है, तो कई बार बच्चे मुझसे बोल देते हैं सर प्लीज मना करो बीच में ना बोले, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लिखा हुआ है मुझे पता है, यू विल बी नोटिंग दैट, आप नोट करोगे उसे, तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, मैं सबको टाइम दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार मैं वेट भी करता हूँ, आप लिखो कि मतलब आप वेट करो, मैं वेट करूंगा,
तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। चलो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और अपन कैसे बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें अगर अपन से पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल कितना है तो ऐसी बात है सारे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स है। एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ये मतलब टोटल मॉलिक्यूल में एक आई के अराउंड 490 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो दो आई के अराउंड 890 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होंगे तो अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अपन को समझ में आ गया भाई कैसे स्ट्रक्चर बताना है। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसे लिखोगे आप, इसमें कोई बात नहीं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर, वी गॉट इट। अब अपन क्या करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एटम जो होगा ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, है ना, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटम। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे ना उनसे बॉन्डेड होगा ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। तब ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है अगर वो इनसे अटैच है तो। ठीक है, ऑल्सो जनरली एच बॉन्डिंग अकर्स एस वी कैन राइट दैट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने कहा देखो भाई अगर मतलब ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर कोई हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है ना तो ही ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है ना, तो अगर ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर कोई हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है तो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू FON कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि ये वाला हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर पार्शियल चार्जेस। तो अपन यहाँ डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज लिखना होता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम मतलब हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखना होता है। तो अपन क्या बोलते हैं, जब ये हाइड्रोजन एटम व्हेन दिस एच एटम is attracted by, ठीक है ना, attracted by फिर किसके साथ, fluorine, oxygen and nitrogen atoms, then hydrogen bonding can exist, then H bonding can exist, can exist। तो अपन बात कर रहे हैं कि भाई देखो एक तो FH को attached होना चाहिए, इस पर delta पॉजिटिव charge और delta negative charge, लेकिन ये hydrogen atom किससे attached होना चाहिए, किससे attract होना चाहिए, या तो फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, तो ही अपन उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। या तो फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, तभी अपन उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, उसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो अपन बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है। ठीक है, एच बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स, H bonding is of two types. ठीक है, टू टाइप्स। एक तो अपन कहते हैं भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अपन कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर H bonding, ठीक है, और दूसरा अपन बोलते हैं कि भाई वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर बोलो। सर आप अपना वीडियो स्पॉटलाइट पे डाल सकते हैं। क्यों, क्या हो गया? सर कोई बोलता है तो आपका स्क्रीन वो चला जाता है।
एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ स्पॉटलाइट वीडियो सेटिंग स्पॉटलाइट। एक मिनट रुको, स्पॉटलाइट ठीक है, हो गया ना? हाँ हो गया, ठीक है। वीडियो लैग कर रहा है क्या मेरा? नहीं सर। नहीं, तो ठीक है। सो यहाँ पर अपने लिखा दैट इज, चलो देख लेते हैं अपन। तो मैंने आपसे लिखा कि भाई अट्रैक्टेड बाय एफ ओ एन एट द एटम देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन एग्जिस्ट। तो अपने वहां पर लिखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन एग्जिस्ट, ये मैंने लिखा। तो इस टाइप से मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई देखो ये H, मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है, फिर अगेन अगर इसको हाइड्रोजन एटम से, मतलब हाइड्रोजन को पहले तो बॉन्डेड होना चाहिए एफ ओ एन से, और फिर उसके बाद जो दूसरा एटम जो इसको अट्रैक्ट करना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एफ ओ एन होना चाहिए। मतलब पहले तो हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, और उसके बाद ये हाइड्रोजन एटम जिससे अट्रैक्ट हो वो भी क्या होना चाहिए, एफ ओ एन ही होना चाहिए। तो अपन उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो चलो देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? तो मैं इसको चेक कर लेता हूं। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट इट। अब दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। तो मैं पहले लिख लेता हूं अपन इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। सो एक और बात अपन लिख सकते हैं पहले, फॉर एच बॉन्डिंग है ना, अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है, ठीक है ना, फॉर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए अपन कहेंगे देयर मस्ट बी हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन एच एटम, है ना? मतलब इसमें क्या होगा, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच हो गए हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी है और ये भी है, ये छोटा एटम है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होगा तो अट्रैक्ट भी इजीली कर लेगा, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो अपन बता सकते हैं नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है तो वाई ओनली हाइड्रोजन एंड अदर दीज एटम्स ओनली। तो अपन ने लिखा देखो भाई, फॉर हाइड्रोजन एटम देयर मस्ट बी अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन एच एटम। तो अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि एच एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और दूसरी बात जो अपन चेक करेंगे ना इसमें, वो अपन कहेंगे एंड देयर मस्ट बी अ गुड डोनर एटम। अब इनमें से अपन कहेंगे देयर मस्ट बी अ गुड डोनर एटम, डोनर एटम। तो अपन क्या कहेंगे भाई, आपने कहा डोनर एटम होना चाहिए, मतलब क्या कि जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां पर जनरेट होगा उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला अच्छा कौन सा, मतलब मैं किसी भी एटम को लिख सकता हूं या मतलब कोई पर्टिकुलर एटम को लिखना पड़ेगा? तो गुड डोनर एटम में वी कैन से दैट डोनर एटम्स लाइक, जैसे अगर मैं इन तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं अपन, यहां पर लिखा दिस हाइड्रोजन एटम इज अट्रैक्टेड बाय, ये हाइड्रोजन एटम जो है ना दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय, मतलब इनको भी एफ ओ एन से ही अट्रैक्ट होना चाहिए, तो अपन उसे प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। डोनर एटम लाइक जैसे नाइट्रोजन है, तो अपन कहेंगे भाई अच्छा इन तीनों में अगर मुझे डोनर एटम के लिए चेक करना है, अगर मुझे दो पार्ट चेक करना है, एक पार्ट किस में हाइड्रोजन एटम में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, तो अगर आप हाइड्रोजन एटम के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो मैं चेक करूंगा इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा तो उसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो पहली कंडीशन अपन को क्या चेक करनी है कि हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस में ज्यादा है, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन तीनों में से मुझे चेक करना है कि हाइड्रोजन पे, चलो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मुझे मिल गया, मेरे पास हाइड्रोजन एटम है जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन एटम ले लिया अपन ने जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अगर अट्रैक्ट करना है तो कौन से एटम को ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन या फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन? तो अपन कहेंगे देखो भाई फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, देगा भी तो बड़ा मुश्किल से देगा,
तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन मुश्किल से देगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है कहीं भी, जहां भी अननोन होगा या आप मिक्स करके कुछ बनाओगे, तो अपन दो ही पार्ट चेक करेंगे कि एक तो हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और वो कब होता है, इन तीन एटम में होता है, आपने ये तीन बताए, इसके अलावा मैं सोचूंगा नहीं। दूसरी बात कि आपको फिर ये बताना है कि इन तीनों एटम में से अच्छा डोनर कौन सा होगा। तो अच्छा डोनर कौन सा होगा, तो अगर अपन चेक करें सभी के पास लोन पेयर होता है, तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा डोनर होता है। तो डोनर एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो अच्छा डोनर एटम होगा अपन वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बता देंगे। तो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे दो पार्ट चाहिए होते हैं, एक तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो मैं बता सकता हूं अगर हाइड्रोजन इन तीनों से अटैच है, एक बात। दूसरी बात, अब आप किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओगे, और अभी अपन चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपन चेक करते हैं, फिर अपन चेक करेंगे कि कैसे डोनर एटम की आप बात कर रहे थे। तो मैं इसको हटाता हूं और आपको एग्जाम्पल बाद में दूंगा, लेकिन पहले आपको इंटर और इंट्रा के बारे में एक इंट्रोडक्शन देता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूंगा तो अपन लिखेंगे भाई इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि भाई बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उसको अपन लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो या तो दोनों सेम होने चाहिए या डिफरेंट भी हो सकता है दोनों, मतलब आप HF HF का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो, आप HF और H2O का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो। तो चलो देख लेते हैं, फिर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले अपन चेक कर लेते हैं HF। H और F में क्या होगा, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसका ऑब्वियसली बात है अगर हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैसे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। भाई कभी भी किसी भी बॉन्ड में जितना स्ट्रेंथ इसका होता है उतना ही स्ट्रेंथ इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट करेगा तो ये जनरेट होगा, और जितना ये जनरेट होगा मतलब जितना इसको इलेक्ट्रॉन मिला होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी बॉन्ड में अगर आप एक जगह डेल्टा पॉजिटिव लिखोगे एक जगह डेल्टा नेगेटिव लिखोगे तो दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल अज्यूम करूंगा मैं, बिल्कुल। तो अपन कहेंगे दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, दूसरे मॉलिक्यूल में मेरे पास ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। अब इसके पास डेल्टा पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इसके डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर इसका भी डेल्टा नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, इसका भी डेल्टा नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, और सो ऑन। तो अपन इसको बना देते हैं, ये होता है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल। तो ये जो बॉन्ड होता है ना ये वाला, इसको तो अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो आयनिक बॉन्ड बोल दो, नहीं आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल्स में नहीं फॉर्म होता, इसलिए हमें इसमें, और इट इज नॉट अ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इट इज जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सो अपन इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों, बिकॉज दिस इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए अपन इसे नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक बात बड़ा क्लियर रहेगा हमारे लिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ FON में बनेगा, राइट, और FON में बनेगा उनके, जब FON से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो बनेगा, और वो भी कैसे बनेगा, जब वो हाइड्रोजन F1 में से किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, तो भी हम बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपन काफी सारे एग्जांपल लिखेंगे पहले तो इसमें, क्योंकि ताकि एग्जांपल में हमें ये पता चल जाए कि कितने टाइप से हमसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं पहले आपको पॉइंट्स लिखता हूं, पहले तो एग्जांपल लिखते हैं उसके बाद अपन पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूं, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है,
वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखूंगा तो इट विल बी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इधर डेल्टा नेगेटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव। इसके जो लोन पेयर्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द अदर वाटर मॉलिक्यूल जो डेल्टा पॉजिटिव है और डेल्टा नेगेटिव। यस इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट विल बी लाइक दिस एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस बॉन्डिंग बनाता रहेगा, दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, राइट। तो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज इस पर भी बनेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, तो इधर तो दो डेल्टा पॉजिटिव हो गए, तो इधर जो स्ट्रेंथ बनेगा डेल्टा नेगेटिव का, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज बनेगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा, और काफी ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें डेल्टा पॉजिटिव थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो होगा हाइड्रोजन के पास अगर दूसरे मॉलिक्यूल से इसमें आ रहा ना, क्योंकि इसमें टू डेल्टा नेगेटिव इसमें डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका डेल्टा नेगेटिव इसके डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। अपन कहेंगे फिर अमोनिया में बता दीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा, तो फिर कहेंगे अमोनिया में देख लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, इस पर एक लोन पेयर होता है वीन होता है, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव है, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव है, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसमें तीन डेल्टा नेगेटिव। That three delta negative will attract the hydrogen atom of other molecule जिसके पास delta positive charge। इस पर delta negative होगा और वो भी three delta negative। बिल्कुल वैसे ही अपन इसमें भी कर लेंगे भाई, देखो हमारे पास ऐसे delta negative अपन ऐसे बता सकते हैं भाई, N और इधर H that is delta positive and this is delta negative। इस पर भी delta negative और ये bond अपन ऐसे बना सकते हैं। So this is the hydrogen bonding in the molecules like Na, H2O, HF and like that we can write. अब अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अपने पास गिवन है, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ बिटवीन है ना, अगर अपन दूसरे मॉलिक्यूल्स में लिखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बिटवीन में लिख लेता हूँ दैट इज H2O एंड CH3OH, तो अपन ऐसे बता, तो अपन कहेंगे देखो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मुझे बताना है तो जैसे अपन ने वाटर में लिखा ना, वाटर में तो लिखा ही हुआ है, तो वाटर में अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बना सकते, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव अपन बता सकते हैं, और ये भी ऐसे डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव अपन बना देते हैं भाई, है ना, ये भी डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव, इधर भी अपन बताएंगे ये डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, और इधर भी ऐसे वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन ने बना रखे, तो वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप ऐसे बनाओगे ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव ऐसे बना सकते हैं। अभी व्हाट विल हैपन जब अपन वाटर में CH3OH डालेंगे तो इस CH3 के पास भी OH ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे आपस में, जब हम CH3 ऐड करेंगे तो ये CH3 मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब इसके पास भी OH है, 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 तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे अपन बोलते हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो आप कहते हो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, C6H12O6 होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर भी वाटर सॉल्युबल क्यों होता है, बिकॉज ग्लूकोज में बहुत सारे OH बॉन्ड होते हैं, तो ग्लूकोज में बहुत सारे OH बॉन्ड होंगे, 5 OH बॉन्ड होते हैं, तो अगर 5 OH बॉन्ड होंगे तो वाटर सॉल्युबल होंगे, क्योंकि अगर OH बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल के पास तो उसमें उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH बॉन्ड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के और भी स्ट्रक्चर होते हैं, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। जैसे अपन कहेंगे अच्छा फिर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताओ भाई ये वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, ऐसे बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लिया अपन ने, अपन कहेंगे है, वो क्यों, क्योंकि इसमें OH है, This is an alcohol. OH group होता है तो अपन उसे alcoholic functional group बोलते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि वो alcohol है और वो hydrogen bonding दिखाएगा, इसको अपन hydrogen bonding कहते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई मान लिया मैंने, एक और कोई ऐसे लिख लेते हैं अपन जिसमें hydrogen bonding मतलब ऐसे glucose is water soluble because of hydrogen bonding, इस टाइप के क्वेश्चन अपन लिखेंगे, बट उससे पहले अपन एक बार चेक कर ले कि भाई या तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, राइट। तो अपन कहेंगे अच्छा फिर तो अल्कोहल में हो सकता है, तब तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई वाटर एंड CH3NH2, भाई ठीक है, तो आप अमाइंस लिखा आपने, ये थोड़ा सा
क्योंकि ये नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कार्बन का कंपाउंड होता है तो उसे अमाइंस बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इन कंपाउंड को बोलते हैं अपन अमाइंस। तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा, आपने अभी लिखा तो है वाटर है अपने पास, ये वाटर है अपने पास डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव अपन को क्या करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ठीक है, मैं अमाइंस का नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होगा उससे बना देता हूँ भाई। इधर अपन क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बना लेते हैं, इधर अपन CH3 बना लेते हैं, फिर बना देते हैं वाटर के साथ। ये लो, इसमें NH2 था तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और फिर वाटर मॉलिक्यूल, फिर मैं बना देता हूँ ऐसे नाइट्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन इधर CH3, और फिर मैं बना देता हूँ ऐसे, तो इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। तो अगर हम बीच में मॉलिक्यूल लिखे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को, तो अपन उसमें एग्जांपल लिख के बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द राइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। गॉट इट? किसी को डाउट है? एवरीबॉडी गॉट इट? तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगा तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, देयर विल बी अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से कोई एक होगा जिसको वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, या तो इसके डेल्टा नेगेटिव चार्ज को, या फिर इसके, या फिर इसके। तो अपन उसे बोलते हैं राइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अलावा अपन हाइड्रोजन, और जितना मैंने बताया आपको उसको बस उतना ही सोचना है उनको, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में व्हाट इज द प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दूसरा अपन लिखेंगे ऐसे, जैसे अपन लिखते हैं भाई H2S इज अ गैस बट H2O is liquid. The reason is hydrogen bonds. Right now? So answer of that, because H2O can form hydrogen bond. H2O can form hydrogen bonding, which is strong electrostatic force of attraction. Right? But H2S cannot form hydrogen bond. H bond. उसमें हाइड्रोजन S और H दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसे था, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन पे ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है, नेगलिजिबल। और अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल ना, फिर तो अपन उसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बहुत कम होता है, और मैंने आपको कहा था, मैंने लिखा था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या होता है हमारे लिए। सबसे पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा होना चाहिए, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कौन सा डोनर एटम अच्छा है। तो अपन चेक करेंगे, अपन कहेंगे भाई H2S में कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ लेस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू लेस स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन एच एटम, सो देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अपन बता देंगे भाई फिर तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो फिर H2S में क्या होता है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीकर बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, दे आर वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सो ड्यू टू लेस स्ट्रेंथ डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो इन H2S वीक वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट, वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट। अब ये वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बाद अपन वंडरवॉल फोर्सेस को भी पढ़ेंगे। वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है H2S में, तो वो लिक्विड होता है। इसका मतलब है कि भाई दो पार्टिकल में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है
तो लिक्विफाई हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो सॉलिड हो जाएंगे, थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा तो लिक्विड हो जाएंगे, और कम अट्रैक्शन होगा तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें अपन गैसेस ऐसे बता सकते, सो वी कैन गेट अ राइट ना लाइक दिस, सो अपन बता सकते हैं दैट इज H2S। फिर दूसरा अपन लिख सकते हैं a compound exists, एक कंपाउंड है एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, ठीक है, राइट, इट्स वन ऑफ द आइसोमर, द आइसोमर इज वाटर सॉल्युबल एंड अदर इज नॉट, ठीक है। तो अपन कहेंगे अपन एक कंपाउंड लिखते हैं, भाई इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा एंड इट्स वन ऑफ द आइसोमर, आइसोमर अपन को पता होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा और स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो अपन बता देंगे कि भाई दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा हमें ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है, तो ऑक्सीजन को देख के अपन ऐसे बना देंगे कि वाटर सॉल्युबल वो होगा जिनमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, और जिसमें ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अटैच नहीं करेंगे वाटर इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जनरली जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो लिक्विड होता है, वो लिक्विड जैसे एग्जिस्ट करता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट यहाँ पर अपन से पूछो वो अपन सेपरेट पॉइंट लिख लेंगे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो जनरली जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड जैसे एग्जिस्ट करता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गए भी हो सकते हैं। सर क्या आप थोड़ा साइड हो सकते हैं? चला ही जाऊं। अच्छा देखो तो अपन क्या करेंगे ना, देख अपन कहेंगे कि भाई आइसोमर का तो मीनिंग अपन सबको पता है क्या होता है, तो अपन क्या करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और अपन लिखते हैं, अपन को ये पता चल गया कि वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा, तो अपन ना जब अपन को वाटर सॉल्युबल बनाना है ना इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं पहले कि अच्छा वाटर सॉल्युबल मतलब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले हो, तो मैं क्या करूंगा इसको ऐसे लिख लूंगा, मैं कहूंगा देखो भाई आपको ना पहले ऐसे बना लेना चाहिए, ये तो जरूरी है आपको बनाना ऐसे OH, आप कुछ भी कर दो OH नहीं बनेगा तो फिर वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, और दूसरी बात अगर दूसरा आइसोमर वाटर इनसॉल्युबल बनाना है तो अपन ऐसे कर लेंगे भाई वाटर इनसॉल्युबल बनाना है तो देखो ऑक्सीजन को ना इनमें से किसी भी हाइड्रोजन से अटैच नहीं होना चाहिए, तो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से अटैच नहीं होगा तो किससे अटैच होगा, तो कहेंगे कार्बन से अटैच कर दो, वाटर इनसॉल्युबल की बात कर लेते हैं, वाटर इनसॉल्युबल की बात कर लेते हैं भाई अपन, सो वाटर इनसॉल्युबल में मतलब अपन ऑक्सीजन को ऐसे करते हैं, लो भाई मैंने किसी भी मतलब अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होगा तो वाटर सॉल्युबल होगा, कार्बन से अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज वाटर सॉल्युबल, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, बना देता हूं, अपन को क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये मॉलिक्यूल का नाम है इथेनॉल, तो अपन से वो क्या पूछेंगे तो भाई अगर मान लो कि स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा कम उसमें उन्होंने पढ़ाया है, तो वो क्या करेंगे अपन से ऐसे पूछेंगे अ कंपाउंड एग्जिस्ट एज मिथेनॉल एंड इसके भी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं दोनों का नाम क्या है, भाई इधर अपन एच लिखते हैं इधर भी एच लिखते हैं इधर भी एच लिखते हैं, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन एक जैसे हैं एंड दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल ईथर, ठीक है ना, तो मैं इसको डाइमिथाइल ईथर लिख लेता हूँ, तो ये मॉलिक्यूल जो होगा ये डाइमिथाइल ईथर है, तो अपन क्या करेंगे अपन से यही पूछेंगे वाई ईथर इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इथेनॉल इज वाटर सॉल्युबल बट नॉट डाइमिथाइल ईथर, व्हाट वाज द रीजन, तो अपन बता देंगे भाई इथेनॉल हैज OH ग्रुप, इफ इट हैज अ OH ग्रुप तो वो वाटर सॉल्युबल होगा, क्योंकि अभी आपने क्या लिखा जो मिथेनॉल ही तो लिखा था यहाँ पर भाई वो मिथेनॉल है, यहाँ पर आपने इथेनॉल लिखा हुआ है, तो मिथेनॉल जैसे अल्कोहल तो आपने बताया ना यहाँ पर, इसकी जगह आप C2H5 लिख दो, ये जो C2H5 C2 हो गया और हाइड्रोजन 5 हो गए
तो यहाँ पर इसकी जगह अगर अपन C2H5 लिख दें तो CH3 की जगह तो अपन उसको इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया वाटर के साथ, तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये वाटर सॉल्युबल है, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन, और जैसे इसमें और इंपॉर्टेंट एक और काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अपन कहते हैं ना जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, अब प्रोटीन्स का कोई फिक्स्ड साइज थोड़ी होता है भाई, प्रोटीन इतना बड़ा भी हो सकता है। अब प्रोटीन को मतलब अपन थोड़ा सा तोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो ये प्रोटीन है तो अपन कहेंगे कि इसको इतना हटा देते हैं, तो ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और कोई प्रोटीन का फिक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी है। तो फिर कैसे कैलकुलेट करूंगा मास? तो प्रोटीन में अपन क्या करेंगे, प्रोटीन में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, तो अपन ये चेक करते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास बता सकता हूँ कितना होगा। तो इसमें कम होंगे, इसमें तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़ा पार्ट लिया अपन ने प्रोटीन का, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो इसका मास भी उसके रिस्पेक्ट में होगा। वन मोल का मास नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर, इसका मास, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटीन। तो मास ऑफ प्रोटीन ये और ये कितना मास होगा, क्योंकि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर द फोर एटम जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। तो कितने एटम्स हैं उसमें वो अपन कैसे पता लगाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, मतलब द वेट ऑफ द मास ऑफ प्रोटीन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। तो ये बड़ा मतलब किसी भी प्रोटीन का जो अपन मास कैलकुलेट करते हैं उसका मास, सभी एटम का जो मास कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। तो आप एक वो एप्लीकेशन टाइप देख सकते हैं अपन कि द मास ऑफ प्रोटीन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। तो आप देख सकते हैं द मास ऑफ प्रोटीन इज कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट, कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H bonds presented, ठीक है। तो मोस्टली जो अपन से क्वेश्चन पूछते हैं वो ये दोनों क्वेश्चन अपन से काफी मतलब स्कूल में काफी क्वेश्चन पूछेंगे, हमें बस आइडिया होना चाहिए, हमें बाकी एग्जाम में मेंस हो या एडवांस हो उसमें ये नहीं पूछने वाला कोई लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हमसे एप्लीकेशन ही पूछेंगे, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो अपन चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स में भाई हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या एप्लीकेशंस होंगे, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन कहेंगे ठीक है भाई मैं इसको थोड़ा सा ये एग्जांपल हटा देता हूँ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन क्या करेंगे, जैसे अपन एग्जांपल हटा लेते हैं और फिर चेक करते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो अगर अपन चेक करेंगे कि भाई बॉन्डिंग की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात जैसे करते हैं अपन, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, तो जनरली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स में तो अपन जो जितना पढ़ा हुआ है उनके बीच में अगर अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो आयनिक बॉन्ड फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख लेते हैं अपन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे देखते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड उसके बाद अपन देख सकते हैं दैट इज राइट उसके बाद अपन बता सकते हैं दैट इज वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और फिर वंडरवॉल फोर्सेस लिखा था ना अपने, फिर अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बाद इधर लिख देता हूं मैं, है ना, दैट विल बी लाइक दिस एच बॉन्ड्स, ठीक है, और एच बॉन्ड के बाद में लिख दूंगा वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स forces, ये bonds हो गए अपने, ठीक है ना, अपन ने bonds को लिखा कि भाई bonds क्या क्या होते हैं, चलो भाई ठीक है अपन को पता चल गया, ये थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दिया आपको। अब अपन ज्यादा ऐसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो bonds हैं, strength of bonds per mole bond बताया आपने, एक मोल का bond बताया मैंने आपको, एक मोल का कितना bond, ठीक है, ये एक मोल के लिखा मैंने, क्योंकि अगर कोई अपन से ये पूछेगा ना कि NaCl है मेरे पास और HCl है, इसका वन फॉर्मूला यूनिट है
NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव और ये HCl है, तो बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा। तो मॉलिक्यूल को देख के कोई भी नहीं बता सकता, राइट? मॉलिक्यूल को देख के कोई भी नहीं बता सकता कि भाई बताओ किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसका या इसका, ठीक है? तो अपन कभी भी एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ते हाइड्रोजन बॉन्ड, वो पर मोल के लिए पढ़ते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कौन से पूछेगा, इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा या कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो अंडरस्टूड है कि वो अपन को पर मोल के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर एक सोडियम और एक सीएल की बात करोगे ना, तो ये 3385 किलो जूल पर मोल, बस 385 है, लेकिन मैंने पर मोल नहीं लिखा। और अगर एक मॉलिक्यूल के वन मॉलिक्यूल वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद गड़बड़ नहीं करना। ये अपने पास 436 किलो एक मॉलिक्यूल का HCl को, H और Cl को ब्रेक करना ना, एक H और एक Cl को, मुझे इतनी एनर्जी चाहिए। एक सोडियम और क्लोराइड को ब्रेक करना है तो 385 किलो जूल चाहिए। तो फिर तो अभी आप लिख रहे हो कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, या तो आपको आयनिक बॉन्ड में कम एनर्जी चाहिए और कोवेलेंट बॉन्ड को ज्यादा चाहिए। हाँ, ये आपने परमोल नहीं लिखा ना, इसलिए ऐसे लिखा। अगर परमोल लिखोगे तो इसी को ज्यादा चाहिए हमेशा, इसलिए मैंने वहां पर परमोल किया। और अपन से कभी भी एक मॉलिक्यूल के लिए कभी कोई पूछने वाला नहीं कि अच्छा बताओ एक NaCl में कितना बॉन्ड एनर्जी होगा, ये कभी अपने मतलब सिलेबस में ही नहीं पूछते हैं कि एक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में एक मोल के लिए नहीं, एक मॉलिक्यूल के लिए कुछ नहीं पढ़ा जाता, वन मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा जाता, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा जाता है, इसलिए अपन ने मोल्स पहले पढ़े। और वन मोल की बात करोगे तो ये अराउंड 800 हो जाएगा पर मोल, वो होते हैं पर। तो अपन मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले अपन से, तो अपन इसकी बात ही नहीं करेंगे। हमें तो पर मोल के लिए पढ़ना है और यूनिट भी वही होगा, हम ऐसे कुछ भी बात नहीं करने वाले, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए कभी कोई कुछ नहीं पूछने वाला। तो मैं चाहता भी नहीं कि तुम कंफ्यूज हो कि क्या करना है सर, नहीं तो दिमाग में आएगा अच्छा एक एक आइटम के लिए बता, एक मॉलिक्यूल के बताया था सबने, मैं भी वही सोचूंगा, कुछ नहीं सोचना है। बस ध्यान देना है अपन को पर मोल लिखना है आयनिक, ये ऑर्डर अपन से पूछा जाएगा, ये हमें आता है, खत्म। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया मैंने। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अभी HCl में 436 बताया था मैंने। यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होता है मतलब काफी कम होता है, वो कहते हैं देयर विल बी अराउंड, मतलब ऐसे लिखेंगे अपन, सो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी होगी ना वो 40 to 10 किलो जूल पर मोल, हाइड्रोजन 42 थोड़ा और मतलब 45 हो जाएगा, तो 45 to 10 किलो जूल पर मोल, और उधर less than 10 किलो जूल पर, less than 10 किलो जूल पर, वंडरवॉल फोर्सेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, वो लेस देन 10 किलो जूल पर मोल होता है, तो वो काफी वीक बॉन्ड होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो चेक करेंगे अपन, पहले अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं एप्लीकेशन की बात, ठीक है, ये सारा पार्ट अपन जो पढ़ रहे हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पढ़ रहे हैं, फिर अपन इंट्रा की बात करेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन में पहले तो मैं लिखूंगा भाई कि हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ एच बॉन्ड। तो अपन ने क्या लिखा कि भाई HF में, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है अमोनिया। मतलब HF में हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या देखते हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, इसमें फ्लोरीन, डेल्टा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। उसके बाद जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना सकता, तो फ्लोरीन के साथ ही था। और इस पे अगर डेल्टा, फिर HF-HF मॉलिक्यूल है तो अपन कहेंगे भाई ये HF-HF मॉलिक्यूल है तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो क्योंकि H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा HF में ही होगा,
सबसे पहला काम अपन को चेक करना होता है डेल्टा का, तो मैं चेक दूसरा मैं लिखूंगा अगर सपोज सेम मॉलिक्यूल है इनमें से कोई एक ले लेते स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल को ले लो तो उसका सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट के, और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट के फॉर अ गिवन, फॉर अ गिवन। मेरे पास जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा उस मॉलिक्यूल के लिए सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसियस। ठीक है, तो अपन इसमें बता सकते हैं कि अपन को क्या करना है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड में ज्यादा, अब अपन इसको वाटर के एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आइस को ले लेते हैं तो आइस के दो मॉलिक्यूल को अगर अपन ऐसे स्टिक कर देते हैं, है ना, आइस के दो मॉलिक्यूल को, आपको पता है आइस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, आइस के दो मॉलिक्यूल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल। आप आइस को कभी तोड़ के देखो, आपसे टूटेगा नहीं। तो इवन आप क्या करो, आइस को अगर आइस को जैसे ही अपन रेफ्रिजरेटर से निकालो ना और हाथ पे ऐसे रख दो तो वो क्या करेगा हाथ पे, बिकॉज ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, प्रोटीन है ना ये, तो स्किन तो प्रोटीन होता है, स्किन मतलब प्रोटीन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो आइस को अगर इस पर रखोगे तो अगर वो ड्राई है, वो ऊपर से स्लिपरी नहीं है, मतलब पानी नहीं है ऊपर, तो वो ना इसमें चिपक जाएगा, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड। आप कभी करके देखो, रेफ्रिजरेटर से तुरंत निकालो और रख दो उसको, फिर तुरंत नहीं निकालना उसको, बस इतना ध्यान रखो, उसको निकालने के लिए थोड़ा वेट करो, क्योंकि अगर तुम तुरंत निकालोगे ना तो तुरंत तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा, हो सकता है आपका स्किन ही सता जाए, इसलिए उसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो, उसके बाद उसको निकालो आइस के ऊपर, राइट। तो अपन क्या करेंगे, जैसे आइस होता है ना, तो और ऐसे भी होता है, आप दो आइस के पीसेस को ले लो और उनको ऐसे स्टिक करके ना उनमें फ्रिक्शन, ऐसे फ्रिक्शन से ऐसे कर दो, वो आपस में स्टिक हो जाए बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतना स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, तो हाँ अपन को पता है ना आइस का क्यूब ऐसे होता है, ऐसे थोड़े से तोड़ देते हैं, ऐसे थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड, हाँ पानी को तो कर सकते हैं, ऐसे किया पानी दो पार्ट में डिवाइड, क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गैसेस वेपर फेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगा, गैसेस स्टेट में क्या, देयर पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नो इंटरेक्शन, थोड़ी बॉन्डेड होते हैं। तो सॉलिड में मतलब आइस में हाइड्रोजन, मैं ऐसे लिख देता हूँ वाटर के केस में ना, तो अपन को याद भी रहेगा, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से ज्यादा होता है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेपर से ज्यादा होता है, वेपर में तो H2O मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे ना एक दूसरे से, तो वहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया भाई, अब आप ये बताओ कि मतलब अगर मान लो मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने, तो अपन कहेंगे भाई मेरी मर्जी, मैं कहूंगा कि मेरे पास ऐसे फिगर है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करते हैं, मेरे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स में अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मेरे पास एफ एच है, मेरे पास एफ एच है, मेरे पास एफ और एच है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ, और मैंने एक बार इसको एफ के साथ ऐसे अट्रैक्ट कर पाया, एक बार मैंने इसको OH के साथ अट्रैक्ट करवाया, और एक बार मैंने इसको सपोज N के साथ अट्रैक्ट करवाया। अब अपन कहेंगे मेरे पास यहां पर F भी है, यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, तो अब अपन कहेंगे इसमें किस पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई आपने मुझे बताया था कि सबसे पहले चेक करना कि हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस में है, सब में एक जैसा है, तो अब डोनर एटम को चेक करना,
इनमें से सबसे अच्छा डोनट आइटम कौन सा? ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। पर डेल्टा पादरे चार्ज तो सेम है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ना दैट इज अ हाइड्रोजन। तो बताओ अपन हाइड्रोजन क्योंकि डेल्टा पादरे चार्ज तो सब में सेम है तो अपन कहेंगे अगर इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ज्यादा करेगा या इससे ज्यादा पुल करेगा या फिर फ्लोरिन से ज्यादा पुल करेगा तो अपन बताएंगे सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन से पुल करेगा तो अपन इसको ऐसे लिख लेते। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा सी बी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है ना इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं अपन। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो अपन कहेंगे भाई पहला काम आपने बताया था कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करना सबसे ज्यादा किसको, उसके बाद आप बताना क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। तो ये एक तरीके से आपने मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके बताया और आपने जो मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले क्या चेक करना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करना और उसके बाद चेक करना कि डोनर एटम कौन सा। तो अपन कहेंगे अगर डोनर एटम ही चेक करना है तो ये कर लो, क्या दिक्कत है, ये भी तो है, मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा ये बता देता हूँ, ये लो, अब क्या प्रॉब्लम, ये तो और भी अच्छा डोनर एटम, बड़ा साइज है डोनर एटम, ये भी और अच्छा होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन के जैसा। तो अपन कहेंगे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों है, बिकॉज क्लोरीन का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया कम है उसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो अपन कहते हैं कि भाई सीएल नहीं बना पाएगा। तो अपन कहेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन ही तो लेना है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा डेंसिटी तो देगा ना, पास है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा जब FON हाइड्रोजन से अटैच्ड हो और अट्रैक्शन भी उनका FON से हो। तो मैंने ये तो इधर सेम रखा H और फिर बाद में उनको मिक्स किया तो फिर पता चल गया ये नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन चार्ज डेंसिटी ऑन क्लोरीन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। बता देंगे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाना है तुमको, ठीक है। अब अपन कहेंगे मान लो अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फिर लिखा करना है, तो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं फिर चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एच बॉन्ड। अब अपन कहेंगे मेरे पास ऐसे क्या करना है, एच स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, एक बार ऐसे कर लेते हैं, मेरे पास OH है, मेरे पास OH है, मेरे पास राइट OH, तो और या फिर मैं ऐसे कर लेते हैं भाई मेरी मर्जी मैं तो ऐसे करूंगा, अब बताओ क्या प्रॉब्लम, अब ऐसे और फिर मैं कहूंगा यहां पर ना मैं यहां पर FH लिख लेता हूं, यहां पर भी FH लिख लेता हूं और यहां पर भी FH लिख लेता हूं, मैं तो ऐसे लिखूंगा मेरी मर्जी, और अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिखता हूं, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसको भी अपन ABC कर देंगे ताकि अपन स्ट्रेंथ को लिख पाए। तो अपन कहेंगे भाई देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, मुझे यहां बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनाओ सबसे ज्यादा इस पे, अगर सबसे ज्यादा इस पे तो यही स्ट्रांग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद इस पे है तो ये स्ट्रांग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन में डोनर एटम तो सब पे एक जैसा है भाई, डोनर एटम तो सभी के लिए एक जैसा है, सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास था, इसके पास, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा था आपसे पहले आपको क्या चेक करना है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अपन क्या करेंगे जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है उसको अपन ने सबसे पहले लिखा, तो सी का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, फिर इस पे था ए वाले पे, फिर बी वाले पे, तो पहले क्या चेक करना है अपन को कि किस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, अपन को वो कंडीशन चेक करनी है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि फिर डोनर आइटम, तो मैंने एक बार H पॉजिटिव सेम रखा, डोनर आइटम अलग लिखे, एक बार मैंने डोनर आइटम अलग अलग रखे, मतलब मैंने क्या किया डोनर आइटम सेम रखा लेकिन हाइड्रोजन अलग अलग आइटम से अटैच किया, तो मैंने बताया आपको। अब स्ट्रेंथ के बाद मैं और एप्लीकेशन बताता हूँ, लेकिन मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि अपने पास कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो अपन उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। Does this contradict the first point? कौन सा contradict कर रहा है? कोई point कहीं कोई contradict नहीं करता, कोई point कहीं कोई contradict नहीं करता, ठीक है ना?
आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप मतलब ये मत सोचो कि मतलब क्या बता रहे हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप सिर्फ ये दिमाग लगाओ कि आप क्या बता रहे हो, मुझे कंसेप्ट क्या बताना है, ठीक है ना। आप बस कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं करना, इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो बता दिया मैंने आपको। दूसरा था एक्सप्लेन अगेन वाई नाइट्रोजन एटम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि नाइट्रोजन इज द बेस्ट डोनर एटम, इज द बेस्ट डोनर एटम। मैं इसको हटाई देता हूँ, इस वाले को जरूरत ही नहीं है, उनको बेस्ट डोनर एटम। साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। सो अल्ट्रिक दैट डेल्टा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इसलिए तो नहीं दे रहा वो, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो फिर उसके बाद बट डेल्टा चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज डबल दैट ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम ऑफ H2O। नहीं, बट दो हाइड्रोजन एटम पे अलग अलग होगा ना, वाटर का स्ट्रक्चर बनाया था ना आपने, कहा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो पार्ट में डिवाइडेड भी तो है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा आएगा भी तो दो हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है, ज्यादा थोड़ी आ गया। और ये खुद भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मतलब ये भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, जैसे सपोज अपन एक पात्र, इफ इट इज अ चेन देन व्हाट चेन, चेन ही तो बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल बता तो ना, चेन में क्या बताऊँ, अभी बताया था बड़ा सा चेन बना के इनका, मतलब चेन मतलब क्या, ये चेन ही तो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय चेन वो बता देना, तो चेन बताओगे मैं आपको अपना आंसर दे दूंगा, ये चेन ही तो बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, भाई हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। व्हाट इज रिटन एट राइट नाउ, वीडियो इज लैगिंग, हाँ तो लैग कर रहा है तो फिर से ज्वाइन करो। तो अपने पास ये आ गया इफ इट इज अ राइट, अब बोलो सर पॉइंट थ्री में, वो पॉइंट नंबर थ्री में ये एच के बाद वापस सब में एफ एफ बनाओ ना, चेन बनाए हाँ, इसमें अच्छा तो अच्छा पॉइंट फोर हो जाएगा ये वाला, नहीं अपन एक सर हाइड्रोजन पॉइंट नंबर ये थ्री है ना, हाँ उसमें जब हम बाद में एफ 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 ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेंथ बदल जाएगा, नहीं अपन स्ट्रेंथ क्यों बताएंगे, अपन तो मतलब यहाँ पर भाई हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हो कि अगर ऐसा है पर मोल और ऐसा है पर मोल और ऐसा है पर मोल, तो बताओ कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, राइट ना, तो अपन तो ऑर्डर बता रहे हैं उसमें, तो आप कहोगे कि भाई आप एच एफ तो अगर इनको मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली बात है मिक्स कर ही कैसे सकते हो, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग कंसेप्ट है। और इसमें सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है, यहां पर अपन को क्या चेक करना है, मैंने आपको बार बार बोला फर्स्ट चेक द डेल्टा पॉजिटिव, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आप पहले डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को चेक करो एंड देन द बेस्ट डोनर एटम विल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन विल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन। तो पहले आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो इसमें सबसे ज्यादा, फिर डोनर एटम को चेक, राइट ना, तो डोनर एटम तो सेम है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे बता दूंगा उसमें, इसमें ये सेम है, तो भाई इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सब में सेम है, लेकिन डोनर एटम आपने अलग अलग रखे, सबसे अच्छा डोनर एटम नाइट्रोजन, तो ये सबसे ज्यादा किससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से, हाँ तो ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो फिर आपने यहाँ पर क्यों लिखा HF H2 HF, हाँ तो यहाँ पर तो अपने ये इसलिए लिखा HF with HF only, यहाँ पर H2 and H2 only,
यहाँ पर NH3 and NH3 only, mix नहीं कर सकते तो. Only. वहां पर मिक्स नहीं कर सकते आप. यहाँ तो मैं मिक्स करके दिखा रहा हूँ आपको पॉइंट नंबर थ्री, कि अगर मिक्स करोगे तो क्या. वहां पर आपने सिर्फ प्योर एच एफ, प्योर एच टू और प्योर एन एच टू, इसलिए बताया. राइट, तो अपन ऐसे बता सकते हैं. अब बाकी कोई और क्वेश्चन होगा तो तुम मुझे बता देना कि भाई ऐसे डिफरेंट है तो बताओ क्या, तो मैं आपको बताऊ, है ना. तो आप मुझे बता देना कि भाई ऐसे है, अब बताओ सर क्या करें इसमें, तो मुझे बता देना, मैं आपको बता. दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर वाटर सॉल्युबल, कंपाउंड विच आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज ड्यू टू एच बॉन्डिंग. वो पक्का वो इसलिए होता है बिकॉज वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर वाटर सॉल्युबल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मॉलिक्यूल्स विच शोज हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्डिंग विच शोज इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग. जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे एच बॉन्डिंग विल एग्जिस्ट एज लिंक्ड. Will exist as a liquid. तो वो लिक्विड जैसे एग्जिस्ट है, ठीक है ना. सिक्स पॉइंट लिख लेता है अब, जैसे पर लिखेंगे ना, एग्जिस्ट एज ए लिक्विड है, ठीक है. तो अब अपन और लिख सकते हैं, दैट इज हायर द स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग, हायर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एच बॉन्ड. तो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल लेते हैं अपन जिसमें एच बॉन्डिंग ऐसे होता है, जैसे अपन चेक करेंगे भाई मेरे पास ऐसे इसमें एक OH, इसमें दो OH और ऐसे मॉलिक्यूल होगा तो इसमें तीन OH, तो यहां पर ये अल्कोहल है जिसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके ऊपर लिखते हैं इथाइल अल्कोहल. ये इथाइलिन डाइऑल मतलब ग्लाइकोल्स बोलते हैं, और इसको ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं या ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं. तो ग्लिसरीन जैसे अपन ने देखा होगा, घर में ग्लिसरीन अपन यूज करते हैं, तो ये ग्लिसरॉल है. इसमें तीन OH दिख रहे हैं, इसमें दो OH हैं, इसमें एक ही OH है. जितने ज्यादा OH होंगे मॉलिक्यूल के बीच में उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा मुश्किल होगा उसे सेपरेट करना. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें एक ही OH है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में एक ही OH है, मतलब इनको सेपरेट करना थोड़ा इजी होगा उन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जिसमें दो OH है, क्योंकि वो दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बन जाएगी, ऐसे बनाए देंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया. अब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन इसके साथ बना देते हैं, दूसरे के OH के साथ बना देते हैं. लो भाई इसका इसके साथ बना देते हैं, ये इसका डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव. तो अब जब अपन जैसे इथेनॉल की बात करते हैं तो इसमें तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता, ऐसे बस C2H5OH हो गया, ये C2H5 हो गया, इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्योंकि इसमें तो एक ही OH है,
तो जब अपन को इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है ना, मतलब अगर आप बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी बोल सकते हैं, अगर इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है दैट इज बॉइलिंग, उनको वेपर में कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल को, तो अगर इनको बॉइल करना है तो मुझे एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा दो मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में मुझे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं? दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने। तो अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही OH है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उन मॉलिक्यूल से जिनमें दो OH है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उन मॉलिक्यूल से जिनमें तीन OH है। तो अपन इसमें बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन लिक्विड्स मॉलिक्यूल के बीच, ये सारे लिक्विड होते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड तो उनको सेपरेट करना ज्यादा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल मॉलिक्यूल को सेपरेट करना तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर लिक्विड मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो मैं विस्कोसिटी भी बता सकता हूं, पर लिक्विड पार्टिकल में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड विस्कस होगा, थिकनेस ऑफ द लिक्विड होता है, जैसे ऑयल की विस्कोसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ग्लिसरीन सबने देखा हुआ है घर में, ग्लिसरीन आपके घर में देखने मिल जाएगा। तो ग्लिसरीन का थिकनेस विस्कोसिटी और इथेनॉल का विस्कोसिटी दोनों में काफी डिफरेंस, ये तो वाटर जैसे होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर से भी वीक होता है। तो अपन कहेंगे कि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डिफरेंस होगा, तो ग्लिसरीन तो काफी थिक होता है, और रीजन क्या है उसके थिकनेस का, क्योंकि इसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी अच्छा होता है, थिकनेस बढ़ जाएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर अगर अपन ऐसे कहें कि भाई इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज द विस्कोसिटी दोनों, हायर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड लिक्विड की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो अपन बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा वो क्या करेंगे, क्वेश्चन दे देंगे अपन को, फंसाएंगे कि भाई चलो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ क्या करें, कोई बात नहीं, अपन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर बता सकते हैं तो अपन बताएंगे कैसे करते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग अपोजिट्स, राइट। बिल्कुल, इसीलिए अपन ऐसे भी बता सकते हैं और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे अगर मान लो अपने पास गिवन है बॉइलिंग पॉइंट्स में, ऑल्सो इसी पॉइंट में लिख लेते हैं, ऑल्सो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, पॉइंट ए कर देते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अपन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ राइट H2O इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम अमंग, अगर अपन लिखेंगे दैट इज H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO अमंग द 16th ग्रुप हाइड्राइड्स, अमंग द 16th ग्रुप हाइड्राइड्स, ग्रुप हाइड्राइड्स। तो ये 16th ग्रुप हाइड्राइड्स हो गए भाई ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड क्लोरीन, राइट। तो अपन बता सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा, अब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए भाई, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड अपन ने बना दिया, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो स्ट्रक्चर बना हुआ, इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ऐसे आप स्ट्रक्चर देख सकते, डेल्टा पॉजिटिव, तो आप ऐसे बता सकते हो भाई इसमें दूसरे मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन ऐसे डेल्टा नेगेटिव CH2, इधर भी अपन ऐसे कर सकते हैं CH2, इधर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, तो ये अट्रैक्शन बता दो आप, और यहाँ पर एक और CH2 बना लो, ये भाई ये इसमें डेल्टा, तो इसमें तीन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, इसमें दो बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा।
तो ये अपन बता सकते हैं, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट अपन इसमें ऐसे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब इसमें अपन ने कहा भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रांग होता है, बाकी सभी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब वंडरवॉल फोर्सेस है, वंडरवॉल फोर्सेस, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बता सकते हैं भाई कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट काफी ठीक ठाक, मतलब ज्यादा ऐसा भी नहीं कि मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ही ज्यादा होगा भाई, मॉलिक्यूल का मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितना इतना डिफरेंस ही तो है, तो रिलेटिव टू वंडरवॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा, तो एच बॉन्डिंग, लेकिन एच बॉन्डिंग होता है तो मेनली लिक्विड तो होता ही है ना, सॉलिड जो होता है वो। और ऐसा भी नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो हमेशा लिक्विड होगा सॉलिड नहीं होगा, आइस है ना, सॉलिड में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉलिड में तो और ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपन बता सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप बता सकते हो, आपको मतलब स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है, आप तो बस ये देखो कि जो भी अभी क्वेश्चन आएंगे अपन को उसमें स्ट्रक्चर बना होगा, और स्ट्रक्चर में जहां भी अपन को OH दिख रहा होगा या NH दिख रहा होगा, NH2 दिख रहा होगा, हम बता देंगे वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, दोनों पता। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे HF की बात करेंगे अपन तरह से लिख सकते हैं HF है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बाकी सभी से, अपन को पता है दिस इज अ गैस, HCl तो गैस होता है, और अपन ऐसे बोल सकते हैं इनमें सब में क्या था, वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, और ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसकी वजह से इसमें ये है, राइट। तो अगर जरूरत पड़े तो अपन पहले वंडरवॉल फोर्सेस ही डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर कर लेंगे, क्योंकि बार बार अगर वंडरवॉल फोर्सेस आ रहा है तो अब बता ही दो भाई ये वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिख लेते हैं पहले, और फिर धीरे धीरे अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म कर देंगे, बिकॉज वी आर राइटिंग द एप्लीकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, इंट्रामॉलिक्यूलर उसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन पहले, क्योंकि बार बार आ रहा है वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस को बता तो ये वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। शायद मैंने आपको बताया एक बार की सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया, बताया ना मैंने वंडरवॉल फोर्सेस, एक बार आइडिया दिया ना मैंने आपको कि वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं मोस्टली, बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द वंडरवॉल फोर्सेस कैसे होते हैं, सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब अपन बता सकते हैं दैट इज सी पॉइंट, सो सी पॉइंट में अगर वैसे इतना काफी है अपने लिए, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, एनर्जी, दैट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं बन रहा है तो अपन कहेंगे उससे स्टेबलाइज होगा मॉलिक्यूल, सो दैट इज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख लेते हैं क्या होता है, तो फिर उसके बाद अपन वंडरवॉल फोर्सेस एक साथ ही पढ़ लेंगे सारे, इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि भाई विद इन द मॉलिक्यूल्स, इट मींस एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल, इट मींस एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल, तो जो भी एच बॉन्डिंग होगा ना वो मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, है ना, एच बॉन्डिंग विल एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल। तो for a molecule to show intramolecular hydrogen bonding, H bonding है ना, जिस molecule में अपन को H bonding बतानी है must have, तो उसमें क्या होना चाहिए,
अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बताना है तो थोड़ा उसका सरफेस एरिया मतलब साइज उसका बढ़ जाएगा। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट है ना, मस्ट हैव लार्जर लार्ज साइज लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल तो अपन लिख लेते भाई कौन कौन से एग्जाम्पल में अपन बता सकते हैं। एग्जाम्पल दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग लिख लेते हैं अपन। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बता देते हैं, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग देख लेते हैं। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो सकता है या फिर अपन लिख सकते हैं थोड़ा सा राइट ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एक्सेट्रा, ऐसे भी कर सकते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो अपन पहले एक बार ये देखते हैं कि भाई बेंजीन रिंग में लिखना कैसे है, मतलब वो होता क्या है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ये तो थोड़ा आपने नया वर्ड यूज किया और नया वर्ड यूज किया तो आपको बताना पड़ेगा भाई है क्या वो, तो अपन इसको चेक करते हैं पहले। नीचे वाला रब मत कीजिए। अरे यार मुझे पता होता चिल्ला क्यों रहता है, मतलब चिंता मत करना मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना, एक बार बोल तो दिया, मुझे पता है यार कि तुमको टाइम देना है लिखने के लिए तो वो ध्यान रखता हूँ मैं। चल देखते हैं, मेरे पास ये बेंजीन है और बेंजीन के लिए तो अपन ऐसे लिखते हैं भाई, ये बेंजीन ठीक है, ये बेंजीन है। अब इसका कोई भी हाइड्रोजन एटम को ना अगर किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करेंगे तो उसको कहते हैं अपन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। व्हेन एच एटम इज रिप्लेस्ड बाय ना, व्हेन एच एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम देन इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ठीक है भाई। तो अपन किसी दूसरे एटम से इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो मान लो मैंने ऐसे, अब इसमें ना हाइड्रोजन अगर मैं इतना भी लिखूंगा तो भी अंडरस्टूड होता है कि ये बेंजीन है, उसमें हाइड्रोजन नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा, तब भी अपन इसमें ऐसे कर तो कर ही देते हैं। ये हाइड्रोजन एटम, तो मैं क्या करता हूं किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूं। तो चलो अपन ये वाले हाइड्रोजन एटम को किसी को भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले हाइड्रोजन एटम को मैंने एक दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दिया और वो था OH ग्रुप। अगर मैं बेंजीन रिंग के किसी भी हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस करूंगा तो ये मॉलिक्यूल जो बनता है इसको अपन कहते हैं फिनॉल, ये मॉलिक्यूल होता है फिनॉल ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, जब किसी बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप आ जाए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी बता सकते हो, सिर्फ इतना लिखोगे तो बाकी वो अंडरस्टूड होता है कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है तो 1, 2, 3, 4 ये वैलेंसी होगी, वैलेंसी मतलब चार बॉन्ड भाई। किसी की भी कोवेलेंसी कितनी होती है, तो भाई कोवेलेंसी देखो जैसे अपन कहते हैं ना कोवेलेंसी, ये वर्ड भी कभी कभी यूज होता है, मैं उसको लिख लेता हूँ इसलिए मैंने उसको लिख के दिखा रहा हूँ आपको। कोवेलेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, कोवेलेंसी होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको अपन जनरली कोवेलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंसी। तो जैसे मैंने लिखा भाई कार्बन की कोवेलेंसी बताओ, तो अपन कहेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार, इसकी कोवेलेंसी चार ठीक है, फोर कोवेलेंसी होगा। अपन ने कहा ठीक है भाई इसकी वैलेंस कोवेलेंसी चार है। अब अपन ने कहा भाई मेरे पास सीएल
ओ फोर है, इसमें सीएल की कोवेलेंसी बताओ। तो अपन कहेंगे सीएल की कोवेलेंसी बता देता हूं, ये सीएल था ये, तो सीएल की कोवेलेंसी कितने बॉन्ड है इसके अराउंड, सेवन। तो अपन कहेंगे उसकी कोवेलेंसी सेवन है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो अपन कहेंगे एक मॉलिक्यूल में से, इस मॉलिक्यूल में से आपने ऑक्सीजन हटा दिया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अपन कहेंगे अब कितने बॉन्ड है इसके अराउंड, तो अपन कहेंगे पांच। तो इस मॉलिक्यूल में अगर मुझे स्ट्रक्चर गिवन है तो मैं कोवेलेंसी स्ट्रक्चर में चेक करके बताऊंगा कि वो कितने तरफ से बॉन्ड से बॉन्डेड है, उसकी कोवेलेंसी। मतलब एक होता है कि भाई अगर आप सीएल एटम की कोवेलेंसी पूछोगे तो मैं कहूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसकी कोवेलेंसी उतनी हो सकती है। राइट ना? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे कोवेलेंसी कितनी होगी अपन बता सकते हैं। और दूसरा होता है कि भाई अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल में पूछा तो फिर अपन उसकी कोवेलेंसी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन को पता चल गया अपन कोवेलेंसी कैसे बताते हैं। अब अपन कहेंगे भाई नाइट्रोजन में तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, तो अपन कहेंगे अब नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, उसकी कोवेलेंसी मैं पांच नहीं बता सकता कि नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड बनाते ही नहीं, वरना अपन कभी ऐसा पढ़ते ही नहीं, अपन ने पढ़ा ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है ये, तो अपन ने कहा कि भाई देखो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी सबसे ज्यादा अपन पढ़ते हैं HNO3 मॉलिक्यूल में, सबसे ज्यादा अपन किसमें पढ़ते हैं HNO3 मॉलिक्यूल में। तो अपन कहेंगे इससे ज्यादा कोवेलेंसी पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन की, चार है कोवेलेंसी, एक ऐसा ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल, मतलब यही इसकी कोवेलेंसी है। तो वो एटम पे डिपेंड करेगा कुछ, क्योंकि कुछ एटम के लिए लिमिटेशंस है, देयर इज नो डी ऑर्बिटल इन दैट। तो कोवेलेंसी तो अपन ने क्या सीख लिया भाई कि कोवेलेंसी क्या होती है, एक्चुअली मोस्टली तो यही होगा अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो अपन वही कहेंगे भाई कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी कोवेलेंसी है, और अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो अपन को चेक कर लेना चाहिए कि वो चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट का मतलब है उनमें 2s और 2p ऑर्बिटल होंगे, मतलब चार ही ऑर्बिटल होंगे, तो मैक्सिमम उनकी कोवेलेंसी अपन चार से ज्यादा नहीं बता सकते सेकंड पीरियड। अब इसमें चेक कर लेते हैं जो अपन पढ़ रहे थे। फिनॉल में मैंने आपसे कहा कि भाई ये तो फिनॉल है, अपन अगर किसी भी, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी एक रिप्लेस कर लो, मान लो मैं कहता मेरी मर्जी मैं तो इससे रिप्लेस करूंगा, मैंने आइसोटोप हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ले लिया डी, राइट ना, अपन ने डी बना दिया, तो ये हाइड्रोजन से डिफरेंट है ना, तो भी अपन इसको सब्स्टिट्यूटेड मान लेंगे। मतलब हाइड्रोजन आपने यहां पर लिखा इवन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम, वो उसका आइसोटोप भी हो सकता है, तो भी अपन उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है ना। तो अभी अपन ज्यादा इसमें नहीं जाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अपन चुप रहते हैं। अपन कहेंगे कि भाई ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब अगर बेंजीन में आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे अपन नहीं नहीं आपने यहाँ पर नीचे लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो उसी प्लेन में, वो और वो एक ही बात है हमारे लिए, ये और ये भी एक ही बात है हमारे लिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ऊपर लिखा हुआ है नीचे क्यों नहीं लिखा, ऐसे नहीं होता, राइट, कहीं भी लिख सकते। अब जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा ना उसमें अगर मान लो इधर जैसे करके लिखा हुआ है, तो इधर जैसे OH लिखा हुआ है, ये फिनॉल है, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड ना उससे जो कार्बन एटम अटैच्ड है उन पोजीशंस को कहते हैं अपन ऑर्थो, ये ऑर्थो जो होता है ये पोजीशंस होता है बेंजीन रिंग में, जिस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है उससे जो एटम अटैच्ड है, इस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है उससे जो एटम अटैच्ड है उनको अपन कहते हैं ऑर्थो पोजीशंस, जो इसके अपोजिट वाला होता है ना उसको अपन कहते हैं पैरा पोजीशंस, क्या बोलेंगे पैरा पोजीशंस। तो और जो कार्बन ऑर्थो से अटैच्ड होते हैं उन पोजीशंस को बोलते हैं अपन मेटा पोजीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में कोई पोजीशन नहीं होते ऑर्थो मेटा पैरा, बिल्कुल बेंजीन में अपन कोई पोजीशन नहीं बोल सकते कि कौन सा ऑर्थो कौन सा पैरा कौन सा मेटा, नहीं होता।
जब तक कि उसका कोई हाइड्रोजन एटम किसी एटम या ग्रुप से रिप्लेस ना हो। तो जब आप किसी एटम या ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो फिर अपन उसे लिखेंगे दैट इज ऑर्थोमेटा पैरा। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई आपने ऑर्थोमेटा पैरा बोल दिया मुझे, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो क्या बोलूं, मेरे पास एक बार ऐसे गिवन है मतलब आपने मुझे ऐसे फिनॉल बताया और इसमें ऑर्थो पैरा बैटा बताया मुझे, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिख सकते हैं अपन, इसलिए अपन उसको ऐसे लिख देते हैं और रिंग बना सकते हैं आप, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ 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 या फिर यहाँ यहाँ और यहाँ भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट लिखना है कहीं भी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब क्या करूं, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई क्लोरीन का ऑर्थो ये हो जाएगा पोजिशन, मतलब क्लोरीन का रिस्पेक्ट में कुछ देख लो भाई, क्लोरीन का पैरा, क्लोरीन का ऑर्थो, क्लोरीन का मेटा, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसमें कोई ऐसे प्रायोरिटी टाइप का कुछ होता है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर प्रायोरिटी लिखना है तो अपन सिंस अपन कॉमन नेम लिख सकते हैं इसमें, ये फिनॉल है तो इसको आप फिनॉल अज्यूम कर लो और ये बता दो कि फिनॉल के ऑर्थो पोजिशन में क्लोरीन अटैच्ड है, फिनॉल के ऑर्थो पोजिशन में क्लोरीन अटैच्ड है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो फिनॉल, तो अपन ऐसे मतलब अगर एक से ज्यादा ग्रुप है तो आप किसी एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, दूसरे ग्रुप को आप उसके रिस्पेक्ट में कंपाउंड लिख सकते हो जो शॉर्टेस्ट कंपाउंड बनेगा। अदरवाइज यू कैन राइट दैट भाई बेंजीन में है एक हाइड्रोक्सी है एक क्लोरीन है, लिखो हाइड्रोक्सी क्लोरीन और बेंजीन, कोई प्रॉब्लम। बट हमें थोड़ा सा मतलब ऐसे इंट्रा मॉलिक्यूलर एडेनिन बॉन्डिंग बनाना है तो अपन को आईयू पैक नेम तो सीख नहीं रहे हैं, है ना, वरना उसके अपने रूल्स होते हैं। तो हमें तो चाहिए था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई आप जो भी इसमें बताओ एग्जांपल उसमें ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन करोगे और उन बेंजीन को बताना है अपन को। तो चलो एक एग्जांपल लिखते हैं और बताता हूं मैं आपको कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैसे होगा। देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं नाइट्रोफिनॉल्स में। तो देखो मैं नाइट्रोफिनॉल्स को कैसे लिख सकता हूँ, एक नाइट्रोफिनॉल तो ऐसे लिख लेता हूँ भाई मुझे फिनॉल तो लिखना ही लिखना है, तो ये फिनॉल है और ये नाइट्रो ग्रुप है NO2। अब अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये ऑक्सीजन के पास है, मैं क्या बना सकता हूँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हूँ। इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन क्या है इसके पास है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हूं। और अगर अपन चेक करें ना जितने भी साइक्लिक रिंग बनते हैं उन साइक्लिक रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबल जो साइक्लिक रिंग होता है वो सिक्स मेंबर्ड होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो साइक्लिक रिंग होता है वो सिक्स मेंबर्ड होता है। सिक्स मेंबर्ड का इतना ज्यादा स्टेबिलिटी है कि अगर सिक्स मेंबर्ड ऐसे भी बन जाए जहां एक पार्शियल बॉन्ड है तो भी हम कहते हैं काफी ज्यादा स्टेबल है। ये सिक्स मेंबर्ड बन रहा है 1 2 3 4 5 6, अगर सिक्स मेंबर्ड बन रहा है तो 100% बनेगा और अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी होगा इसका, स्टेबिलिटी भी अच्छा खासा। दिस इज कॉल्ड सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों, क्योंकि जब भी पार्शियल बॉन्ड बनेंगे ना तो उसको अपन एक नया नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। So this is a six member transition state. Six member transition state. तो वहीं लिख देता हूं मैं six member transition state. Six member का stability बहुत ज्यादा होता है transition state. उसकी stability बहुत ज्यादा होती है six member transition state. तो यहां पर अपन लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज 100% होगा क्योंकि इधर भी तो डबल बॉन्ड है और ये यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे तो उस पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और डबल बॉन्ड से अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सो हमें तो क्या चाहिए था भाई हाइड्रोजन FON में से किसी एटम से अटैच हो तो उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, उसके बाद वो FON से के किसी एटम से अट्रैक्टेड भी हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज फिनॉल और इसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है तो मैं इसको लिखूंगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। आप ऑर्थो को
ओ भी लिख सकते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो हाइड्रोफेना, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट को एक नया नाम भी लेते हैं अपन कभी कभी, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन, उसको केमिस्ट्री में कीलेशन बोलते हैं। साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन को कीलेशन बोलते हैं, यहाँ साइक्लिक रिंग ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है ना, सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, उसको कीलेशन भी बोलते हैं। तो बोल देते हैं अगर कीलेटिंग, कीलेशन या कीलेटिंग कुछ भी ऐसे लिखा होगा अपन बता देंगे। किसी को डाउट है? ठीक है ना, तो अगर क्या लिखा है उसने, Why the oxygen atom bonded with nitrogen atom has delta positive charge? कहाँ है delta positive charge? Delta positive कहाँ लिखा हुआ है? Delta negative charge. और ये सी बात है, ये बताओ nitrogen ज्यादा electro positive होता है, oxygen ज्यादा electro positive होता है, तो जो ज्यादा electro negative होगा उस पर negative charge, जो electro positive है उस पर positive charge, तो ये ortho nitrophilic होता है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं दूसरा। तो भाई अगर ऑर्थो हो सकता है तो मेटा भी हो सकता है, तो चलो मेटा नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं, और ऑर्थो मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। तो अपने पास अगर मान लो ये ए है, अपने नाइट्रोफिनॉल में ए लिखा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बी लिखते हैं, बी में मान लो मैंने कहा भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल लिख लेता, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी लिखते ऐसे, वो हो गया भाई ये लो मैंने लिख दिया ऐसे, ये अपने पास आके पैरा, उस तरफ क्या है, इस तरफ लिख लो मेफर, ये पैरा नाइट्रोफेनॉल। अब अगर ये पैरा नाइट्रोफेनॉल है तो अपन क्या कहेंगे भाई, इधर से इधर थोड़ी बन सकता है, बेंजीन पूरा ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, एक रिंग में साइक्लिक रिंग होता है, साइक्लोहेक्सॉन हेक्सागन, तो इतना दूर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इधर से इधर तक का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो अपन कहेंगे इट कैन नॉट फॉर्म इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर तो नहीं बना सकता, ठीक है, ये एच बॉन्डिंग तो नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन OH तो फ्री है ना, अगर यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे मॉलिक्यूल से तो बना सकता हूं ना, इससे नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसे तो बना सकता हूं ना मैं, ये तो बनेगा ना दूसरे मॉलिक्यूल से भाई, दूसरे मॉलिक्यूल में तो ऐसे बना सकता हूं ना मैं, ये तो बनेगा ना, हाँ ये बना सकता हूं, और यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे मॉलिक्यूल से तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हूं ना मैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, तो फिर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, बट शोज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो ये क्या बना देगा अपन को, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बना देगा, है ना, बट इट कैन शो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, तो आप ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो we can say that this is intermolecular hydrogen bonding, right? तो अपन कहेंगे अच्छा मेटा पोजीशन पे, अगर मेटा पोजीशन पे होगा तो भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मेटा पोजीशन पे क्या होगा, अगर अपन मेटा की बात करेंगे तो बता सकते हैं भाई, देखो मेटा पे क्या होगा, तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड लिखेंगे, अगर अपन सी लिख लेते हैं भाई, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और अगर अपन मेटा नाइट्रोफिनॉल लिखेंगे तो इसमें भी ऐसे आएगा अपने पास, ये लो भाई मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा, इधर भी NO2 होगा, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा ना, वो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे नहीं बना सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो बहुत दूर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता कि इधर से उधर तक बना लेगा, इट इज ओनली इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सिर्फ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं होता है, तो अपन कहेंगे इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो फिर इसमें भी नहीं बन सकता, सो इट कैन नॉट शो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नहीं बन सकता एट मेटा पोजीशन,
ये पॉसिबल नहीं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर तो पॉसिबल है। हाँ इंटरमॉलिक्यूलर लिख लो आप, इसको भी मेटा पे कर दो, इसको भी मेटा पे कर दो, बोल दूंगा इंटरमॉलिक्यूलर है भाई। इंटरमॉलिक्यूलर के लिए अगर ओएच फ्री है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताऊंगा ना, तो अपन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकते हैं। कैन नॉट शो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, बट कैन शो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बता सकता है। देयरफॉर आई कैन राइट दैट ओनली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन मे शो। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि भाई अगर कोई यहां पर ऐसा एटम नहीं होता जिसमें एफ ओ एन है तो ओ एच लिखने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। अगर ओ एच है और इधर मेरे पास एफ ओ एन में से कोई एटम नहीं है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बताऊंगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो आपने कहा था कि भाई ओ एच भी होना चाहिए और ये जो हाइड्रोजन है इसको भी एफ ओ एन में से किसी से अट्रैक्ट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला था। मे शो एच बॉन्ड, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। दिस इज राइट, दैट इज, इसका मतलब सिर्फ ऑर्थो वाला ही इंट्रा मॉलिक्यूलर शो कर सकता है और पैरा और मेटा वाले जो होंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई पैरा नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इंट्रा नहीं कर सकता, इंटर कर सकता, इंट्रा कौन कर सकता है, सिर्फ ये। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना कर देंगे। वेट एसो, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इंटरमॉलिक्यूलर कभी नहीं बनाएगा मॉलिक्यूल, बिकॉज विद इन द मॉलिक्यूल का प्रोबेबिलिटी फॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो कभी भी वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएगा, इसमें पॉसिबल नहीं था इसलिए उसने बनाया। सो दिस इज नाइट्रोफिनॉल्स। अपन दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन दैट विल बी, मैं ना अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोफिनॉल्स में, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। अभी आयुपिक नेम को मत देखो आपकी वाई दैट इज, अब तो स्ट्रक्चर बताओ और मुझे बताओ कि भाई कैसे बनाना है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आयुपिक नेम क्या होता है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी और मैं यहाँ पर एल्डिहाइड लिखने वाला हूं। एल्डिहाइड आपको आइडिया होगा व्हाट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, दिस इज एन एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपने OH का बॉन्ड था और दूसरा एटम जो अट्रैक्ट कर रहा है वो कौन सा है, FON में से एक एटम। अब जरूरी नहीं कि भाई हम बेंजीन वाले मॉलिक्यूल्स में ही बताएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इवन कुछ बड़े बड़े इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी काफी बड़े बड़े होते हैं, राइट। लेकिन मोस्टली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े बनाते हैं अपन वो इनमें बनाते हैं। तो जैसे अपन लिखेंगे कि भाई इसमें अपन ने कहा कि भाई थॉट देख लेते हैं एक बार कि से अब मैं एक मॉलिक्यूल लिख देता हूं, मेरे पास ऐसे क्यों वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे इसलिए लिखता हूं मैं ताकि वो हाइब्रिडाइजेशन भी आपको दिखे, आप चेक कर सकते हो। जैसे यहां पर sp2 बनेगा तो देखो मैंने 120 बनाया बॉन्ड एंगल, ऐसे वो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखते हैं अपन, राइट ना, उस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर मेरे पास ऐसे के बने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन को गिवन है तो अपन क्या करेंगे, वो साफ साफ दिख तो रहा है जो आपने बनाया है कि सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे, ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो इसको अपन वैसे तो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एसिटाइल एसीटोन, अब उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा अभी नहीं पढ़ाया तुमने,
है ना, बट दैट इज द नेम ऑफ कंपाउंड एसिटाइल एसीटोन, तो अपन उसमें बता सकते हैं ऐसे। तो अभी अपन बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन कि कौन से कंपाउंड इंट्रा मॉलिक्यूलर बना सकते हैं, या इंट्रा मॉलिक्यूलर ही पूछ लेता हूँ। इंटर मॉलिक्यूलर में तो अपन को कहेगा कि भाई OH ग्रुप है तो इंटर मॉलिक्यूलर तो बना ही देगा, तो चलो देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और आप मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो इंट्रा मॉलिक्यूलर। अच्छा, कोई भी मॉलिक्यूल ना जिसमें 5 या 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना फॉर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर मस्ट बी अ 6 or 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए? 5 या 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए। तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रेशियो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच बॉन्ड, ठीक है? चलो देखते हैं। अब अभी मतलब सेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन को ज्यादा नहीं पता, तो मैंने ये सेंटेंस आपको दिया। अपन क्या करेंगे ना, एक रिंग जैसे बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट जैसे, अगर वो 5 या 6 मेंबर बन रहा है इट कैन शो, ये काफी स्टेबल होंगे 5 या 6 मेंबर, राइट ना। सो ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना इनके बीच में, इसको जो ये पार्शियल बॉन्ड बनता है, ये पार्शियल बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल रहे थे ना हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, वो एक रिंग जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये रिंग जैसे बना देता है। तो ये रिंग जैसे जो बन रहा है ना उसको अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो अपन रिंग जैसे को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। चलो देखते हैं, मेरे पास ऐसा क्या है,
अकबर जी का कौन शुरू करें। पहले कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो इसमें तो आप ऐसे लिखोगे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, लेकिन मेरे पास यहां पर कोई ऐसा एटम नहीं है जो एफ ओ एन में से है, ये तो शो नहीं कर सकते। यहां पर कोई ऐसा एटम नहीं है ना जो एफ ओ एन में से है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अपन कहेंगे ऐसा नहीं सोच सकते क्या कि इधर ऐसे कर ले और इसका हाइड्रोजन मतलब ऐसे कुछ कर ले, ऑप्शन से बना दे। तो अपन कहेंगे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता क्योंकि ये खुद एफ ओ एन से अटैच नहीं है, इसलिए उस मॉलिक्यूल में नहीं हो सकती। इधर अपन कहेंगे इधर आप कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इधर मेरे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो FON से अटैच्ड हो, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। मैं बाकी कुछ नहीं सोचूंगा, पहले मुझे यह चाहिए कि कोई ऐसा हाइड्रोजन हो जो FON से अटैच्ड हो। इसमें मेरे पास हाइड्रोजन है जो FON से अटैच्ड है, N से अटैच्ड है, इसका मतलब यह हाइड्रोजन एटम यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बस मुझे FON चाहिए। तो है 5 मेंबर रिंग बन रहा है, ट्रांजिशन 3 बनाए। उसमें अपन कहेंगे इसमें तो मेरे पास दो तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो लेट अस चेक कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बना देंगे। ये बना देते हैं, कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये सेट इज फॉर्म डेल्टा नेगेटिव डेल्टा। इसको भी इससे बना सकते हो आप, उसको भी उससे बना सकते हो आप, बनाओगे किसी एक से तो उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत आराम से बन रहा है, 6 मेंबर ट्रांजिशन शुरू। लास्ट वाले में भी बड़ा इजीली बन रहा है बिकॉज ये भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये देख सकते हैं अपन। देखो भाई इसमें है ना, ये पास ऐसे बनाया आपने और C डबल बॉन्ड हो और को अच्छे देख सकते हो अपन, इससे भी बना सकता हूँ इससे भी बना सकता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मुझे बस OH वाला चाहिए, इधर भी बना सकता था इसके इसके साथ किसी को भी हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है अपन को वो बताना था। अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन तो कहेंगे उसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर चेक कर लो भाई। इधर तो मुझे दो दो दिख रहे हैं, चलो ठीक है किसी एक को तो बना ही दूंगा। तो इसको ऐसे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव 6 मेंबर है, ये बनाएगा इसमें। इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों नहीं होगा, ये लो है ना हाइड्रोजन 6 में 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है ना, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस, उसमें भी होगा, इसमें इसमें भी है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या प्रॉब्लम है, CH3 है, C डबल बॉन्डो लिखा आपने, इधर आपने CH लिखा और इधर आपने OH लिखा, ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको लिखो ना इधर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, तो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इसका, इसमें भी। लास्ट वाले में चलो चेक करते हैं, लास्ट वाले में अगर मुझे चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई विल राइट लाइक दिस, मेरे पास क्या गिवन है, सी डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव चार्ज लिखता, ये sp2 हाइब्रिडाइज ना, तो अपन लिख सकते हैं उसको ऐसे, Na पॉजिटिव है इसके, इसको मैं लिखूंगा CH2, लिखा मैंने CH2, इधर मैं लिखूंगा OH, मैंने O लिखा और मैंने H लिखा, कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है,
ये OH बॉन्ड है ना डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले को ऑक्सीजन दिख रहा है, बनाओ बना है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर। सो दिस इज अबाउट दैट, आपको बिल्कुल फ्रीली मैंने आपसे कहा कि भाई अपन कैसे मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएंगे कैसे नहीं बताएंगे, मुझे पहले क्या ढूंढना है OH बॉन्ड ढूंढना है, OH बॉन्ड को ढूंढने के बाद मुझे दूसरी जगह क्या ढूंढना है, मुझे OH बॉन्ड अगर यहाँ एक भी OH बॉन्ड नहीं हो, एक भी बॉन्ड नहीं मिल रहा था ना जिसका हाइड्रोजन FONH से अटैच्ड, अगर होता तो वहां चेक करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले अपन कहेंगे यहाँ पर NH बॉन्ड है, तो अब दूसरा एटम भी FON में से भी होना चाहिए ना, हाइड्रोजन जो अट्रैक्ट करेगा वो FON में से किसी एक एटम से अट्रैक्ट करेगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बताऊंगा, बताए। तो चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या, उसमें हम क्या करेंगे बताओ, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर मान लो मेरे पास इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनाल था और मेरे पास एक दूसरा पैरा नाइट्रोफिनाल है, मान लो ये पैरा नाइट्रोफिनाल, ये पैरा नाइट्रोफिनाल, इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं, इसमें मुझे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन नहीं सकता तो मुझे दूसरे मॉलिक्यूल से बनाना पड़ेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, मुझे दूसरे मॉलिक्यूल से बना लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नहीं भी दिख रहा होगा तो भी बना लेंगे। तो इसमें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर है और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर अपन क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट की बात दोनों में से, अपन कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है दो मॉलिक्यूल को आपस में सेपरेट करना, अगर दोनों मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होगा तो सेपरेशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। तो क्या करें आपको, इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया तो दूसरे मॉलिक्यूल से उसका ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होने वाला, उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल है तो इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, इसका मतलब अगर इंटर मॉलिक्यूलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा विद इन द मॉलिक्यूल तो वो दूसरे से उसका कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होने वाला तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अपन बता सकते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर वॉलेटाइल मॉलिक्यूल, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनको अपन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, रीजन बिकॉज उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स, इसमें विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दूसरे मॉलिक्यूल से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो दो मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन नहीं होगा तो उसमें एनर्जी भी कम। तो ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, मोर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनको अपन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अगर कभी अपन को ऐसे मॉलिक्यूल में पूछा जाए ना कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दे आर ऑलवेज अ वॉलेटाइल मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल विच हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो अपन वॉलेटाइल नेचर बता सकते हैं, विस्कोसिटी बता सकते हैं, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी इससे क्योंकि उसमें दो मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन ज्यादा है, तो अगर मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछेंगे अपन बता सकते हैं। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट सबसे पहला पार्ट हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद डोनर एटम, डोनर एटम भी कौन सा होना चाहिए FON, राइट। इवन अपन क्या कहते हैं ना, जैसे मान लो अपन ऐसे कर वाटर सॉल्युबिलिटी, मैंने वैसे बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे अपन कहेंगे मेरे पास ईथर है, ईथर इज लाइक दिस, इस पे लोन पेयर है, अपन कहेंगे अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, अपन कहेंगे भाई इसमें प्रॉब्लम कहां है, आपके पास ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर है, आपके पास हाइड्रोजन है, दो लोन पेयर है, अब इसको बोल दो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अपन इसको ऐसे बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में,
बट अपन क्या कहेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर का डेल्टा पॉजिटिव तो हो गया ना इसकी वजह से, डेल्टा नेगेटिव की वजह से, तो इसको वाटर सॉल्युबिलिटी बोल दो ना। तो अपन क्या कहेंगे, देखो ये वाटर को अट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन ये वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता ना। ये वाला ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के प्रोटॉन को अट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन ये मॉलिक्यूल, ये वाटर जो ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। मतलब ये ईथर मॉलिक्यूल वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो ये अट्रैक्ट कर तो रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो अगर मुझसे पूछा गया कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, तो अपन बता देंगे हाँ इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। लेकिन अगर आप वाटर सॉल्युबिलिटी बोलोगे तो मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये अट्रैक्ट हो सकता है इसकी तरफ, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये इसके प्रोटॉन को अपने ऑक्सीजन पे अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। किससे? अपने ही टाइप के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है इसमें। तो फिर ये अट्रैक्शन को क्या बोले हम? तो अपन कहेंगे इस अट्रैक्शन की वजह से ईथर जो है थोड़ा सॉल्युबल हो सकता है वाटर में। थोड़ा मतलब कितना? तो अपन कहेंगे अप टू 8%, इतना सॉल्युबल हो जाए, 8% एग्जैक्ट वैल्यू उसकी, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई इसमें ना आप ये समझ लो इसको, क्योंकि तुम लोग मतलब क्या करते हो ना फिर बाद में कि एक बार और ऐसे ना, जैसे कबाली चलो, चलो एक बार और ऐसे बस बोलते, एक बार और एक्सप्लेन करो, ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम लोग एक बार देखो ना ऐसे, भाई आपने कहा कि OH है, मैं बताता रहा हूं इतने अच्छे से, आपको पता है कि भाई एक तो OH होना ही चाहिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसमें भी OH, इसमें भी OH, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ये दोनों सॉल्युबल है वाटर आपस में, राइट ना। क्योंकि ये पार्ट पहले एक्सप्लेन तो किया, फिर कहोगे अच्छा फिर से एक्सप्लेन करो, थोड़ा रुको ना, बताने तो दे पूरा, तुम तुरंत लिख देते, इसलिए मैं ना चैट को हटा देता हूँ सामने से, क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो मेरे सामने आता है, मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है आंसर दो उसका तुरंत, तुरंत आंसर थोड़ी देना होता है, वेट करो थोड़ा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी OH, इसमें भी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे बना सकता है, वो इससे बना सकता है, ये उससे बना सकता है, वो इससे बना सकता है, क्योंकि इसमें भी OH, उसमें भी OH, वो बना सकता है इसके ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? इसमें OH नहीं है ना, जिसमें OH है या OHF है या फिर NH है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये नहीं बना सकता, ये बना सकता है। तो फिर ये नॉन पोलर है, वो पोलर है, तो फिर पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल नहीं होता। तो अभी आप बोलते रहे थे 8% होता है, जब तक किसी का सॉल्युबिलिटी 10% नहीं होता ना वाटर में, अपन उसे वाटर सॉल्युबल नहीं बोलते। 10% से कम सॉल्युबिलिटी को अपन सॉल्युबिलिटी नहीं बोलते कभी भी। मतलब अब ये पूरा एंड तक चलेगा हमेशा के लिए लाइफ में तुम्हारे। अच्छा वाटर सॉल्युबिलिटी परसेंटेज बता दो, 9% नहीं है वाटर सॉल्युबल, क्योंकि मुझे बता रहे कैसा 10% से ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो तो ही सॉल्युबिलिटी बताना, ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा 1% सॉल्युबल है, चलो सॉल्युबल हो गया। तो अपन क्या बोल रहे थे कि भाई देखो ये हाइड्रोजन बना सकता है उससे, क्योंकि OH है, इसका H उससे बना सकता है, उसका H इससे बना सकता है, लेकिन वो तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, ये किससे बना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है फिर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, तो ये फिर सॉल्युबल नहीं है वाटर में। तो अपन क्या बताएंगे, ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट, वाटर पोलर सॉल्वेंट। तो अपन जानते हैं थोड़ा सा छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं, नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, पोलर कंपाउंड ही पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है या पोलर ही पोलर में डिसॉल्व होता है। जैसे अपन वर्ड पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व इन लाइक, लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, लेकिन नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो रीजन यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। अब बताओ कोई डाउट है तो अब लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा वेट तो करें अपन की मतलब क्या करना है। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट क्लास में अपन को डाउट डिस्कस कर लेना चाहिए, मतलब अपने केमिकल बॉन्डिंग 2 के डाउट्स, केमिकल बॉन्डिंग 2 के डाउट्स कर लेते हैं, या पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी में टाइम लगता है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 आवर में खत्म हो जाएगा। हाँ होमवर्क बचा है ना अभी, बिल्कुल बचा हुआ है, होमवर्क करना है ना अपन को, केमिकल बॉन्डिंग 1 ही तो डिस्कस किया था उस दिन अपन ने, राइट 2 करना है अपन को। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बचे हुए हैं वो पढ़ के और फिर अपन मतलब वो कर लेंगे नोट्स। वीक के लास्ट क्लास में अपन डाउट क्लास ही रखा करेंगे हमेशा, क्योंकि वीक में अपन पढ़ भी लेंगे और बाद में जो भी होमवर्क होगा अपन लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल अपन वीक के लास्ट में हमेशा डाउट क्लास रखा करेंगे, अनलेस कि अपने पास डिस्कशन के लिए कुछ और ना तो अपन आगे पढ़ सकते, चलेगा ना? उससे वो होमवर्क डाउट्स वगैरह भी हो जाएंगे ना, अपने डाउट भी चलते रहेंगे। ठीक है भाई फिर है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, मेरी क्लास है फिर आप इस अभी, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट्स करने वाले हैं और जो भी आपके पर्सनल डाउट है वो भी बता देना।